हाँ जी, राम राम सा। तीसरे टॉपिक की अपनी शुरुआत है। पिछले टॉपिक में हमने समास को पूरा किया, अब टॉपिक शुरू होगा उपसर्ग। हेडिंग आप लिख लीजिए। उपसर्ग, महत्वपूर्ण टॉपिक। टॉपिक तो सारे महत्वपूर्ण हैं, उपसर्ग प्रत्यय में थोड़ा सा हाथ खस्ता सा भी रहता है। सबसे पहली बात, उपसर्ग के बाद ही हम प्रत्यय पढ़ेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको इन दोनों से जुड़ी हुई कुछ बातें बता दूँ। कई बार परिभाषा आ जाती है, जो शब्द शब्दांश में जुड़कर, उपसर्ग की परिभाषा आ जाती है, जो शब्द शब्दांश में जुड़कर, जो शब्दांश शब्द में जुड़कर, जो शब्द शब्द में जुड़कर, या जो शब्दांश शब्दांश में जुड़कर। अब ये नहीं पता चलता कि शब्द शब्दांश में जुड़ रहा है, शब्दांश शब्द में जुड़ रहा है, या ये दोनों ही शब्द हैं उपसर्ग और प्रत्यय, या दोनों ही शब्दांश हैं। तो पहले तो हमें ये जानना है कि आखिर हैं क्या। तो मैं आपको ये बता दूं कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या होते हैं? शब्दांश, दोनों ही शब्दांश हैं, यानी शब्दों के अंश हैं, और ये दोनों ही हमेशा जुड़ते हैं। किस में? मूल शब्द में। उपसर्ग भी मूल शब्द में जुड़ेगा और प्रत्यय भी किस में जुड़ेगा? मूल शब्द में। मूल शब्द क्या होता है? वो एक शब्द जिसका आप आगे टुकड़ा नहीं कर सकते, और जिसका कोई एक क्या निकले अर्थ, वो क्या कहलाता है? मूल शब्द। ये बात हुई मूल शब्द की। दूसरी बात, क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपके लगभग प्रश्न ऐसे आते हैं, चार शब्द देकर या तो ये पूछता है, बताइए कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, या कौन से में प्रत्यय नहीं है। इस प्रकार से क्या किए जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार एक चीज़ और भी आ जाती है, क्या कि बताइए विदेशी उपसर्ग कौन सा है। तो सबसे बड़ी बात, विदेशी उपसर्ग तो बहुत दूर की बात है, हिंदी के मुख्य उपसर्ग ही नहीं पता। उसके अगर हम बात करें, हिंदी के मुख्य उपसर्ग भी आए तो भी आपकी बात कुछ तो बने, लेकिन प्रॉब्लम है नहीं पता। तो सामान्य सी मैं आपको बात बताती हूँ यहाँ पे, कि आप जब भी किसी भी बुक में उपसर्ग टॉपिक पढ़ना शुरू करोगे, उसमें सबसे पहले लिखे हुए मिलेंगे संस्कृत के उपसर्ग, जो मुख्यतः आप देखते हैं 22 उसके अंदर बटे हुए हैं। उसके बाद आपको लिखे हुए मिलेंगे संस्कृत के कुछ अव्यय, जो वर्तमान में संस्कृत में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं, आवि प्रादुर ऐसे उसके अंतर्गत आपको मिलेंगे। तीसरे में मिलेंगे हिंदी के उपसर्ग, फोर्थ में मिलेंगे उर्दू के उपसर्ग, और फिफ्थ पार्ट में मिलेंगे पांचवें भाग के अंदर अंग्रेजी के उपसर्ग, अलग अलग भाषाओं के दिए हुए हैं। तो बहुत आसान होता है ये बताना कि ये विदेशी है ये हिंदी का है, लेकिन वो पता तो तब चले जब हम एक बार उनका क्या करें, अध्ययन पढ़ लें। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये गलत है और ये रूप क्या है सही। तो आप ये बात ध्यान रखना, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही मूल शब्द में जुड़ते हैं, शब्द में जुड़ने के बाद भी शब्द का अर्थ आना चाहिए, और शब्द में से हटने के बाद भी शब्द का क्या निकलना चाहिए, अर्थ। अर्थ भी समान होना चाहिए, समान मतलब ये नहीं कि मूल शब्द उपसर्ग और प्रत्यय वगैरह का कोई अर्थ अलग हो और उस टुकड़े का और उनका अलग हो, दोनों के अर्थ में क्या होनी चाहिए, समानता, तब तो वो है, अदरवाइज नहीं है। दूसरी बात, आपको उपसर्गों के अर्थ याद करने पड़ेंगे। अगर आपने उपसर्ग का अर्थ याद नहीं किया तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। कैसे? जरा मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, जरा बोर्ड आप देखिएगा, इसके अंदर ये वाक्य शुद्धि में आया हुआ है,
दरअसल में मैं इसकी जिम्मेदारी उसे सौंपना चाहता था। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सामान्य रूप के अंतर्गत मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि मैंने एक वाक्य लिखा है। ये वाक्य मुख्यतः कितने भागों में बटा होता है? चार। सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र से जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें वाक्य शुद्धि ऐसी आ जाती है, जिसके अंतर्गत एक भाग होता है ए, एक होता है ब, एक होता है स और एक और होता है द, जिसमें लिखा होता है कोई त्रुटि नहीं है। मुझे आपको सिर्फ ये वाक्य दिखाना था, इसलिए मैंने उस वाक्य को ही लिखा है। द पार्ट में तो है कोई त्रुटि नहीं है, और फिर आपसे पूछ लेते हैं बताइए इस वाक्य का कौन सा हिस्सा अशुद्ध है, ऐसे आ जाता है। और कोई भी अशुद्धि नहीं तो आप पॉइंट ले देते हैं द, और द के अंतर्गत अगर बात करें कोई त्रुटि नहीं है, ऐसे वाक्य आ चुका। अगर मैं कहूँ अशुद्ध इसका हिस्सा है, ये पार्ट अशुद्ध है, लेकिन ये अशुद्धि आपको तभी पता चलती जब आपको ये पता चलता वहाँ पे कि यहाँ गड़बड़ क्या है। तो यहाँ गड़बड़ ये है, ये देखिए, ये दर उपसर्ग है। आप में से बहुत से बच्चों को तो ये नहीं पता दर उपसर्ग भी है क्या। अर्थ से युक्त शब्द बहुत पता है आपको, यूज़ भी करते हैं आप इस शब्द का, बस ये नहीं पता उपसर्ग है क्या। अच्छा, कुछ को ये भी पता है उपसर्ग है, तो ये नहीं पता इस दर का अर्थ में है क्या। ये और भी गड़बड़ हो जाती है फिर आपके लिए। यानी अब ये देखिए, ये क्वेश्चन तो है वाक्य शुद्धि का। इवन मैं आपको कहूँ, पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए वर्तनी संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में, अशुद्धि कैसी हो सकती है। चारों के चारों वाक्य अशुद्ध थे। विद्यार्थी मुझसे कह रहे हैं मैम पहला भी अशुद्ध था, चौथा भी अशुद्ध था, कौन सा करेंगे। मैं कि बेटा तीसरा उत्तर आएगा, क्यों? अरे उसने ये थोड़ी कहा है कि अगर वो एक अशुद्धि पूछ रहा है तो इसका मतलब तीनों वाक्य बाकी शुद्ध ही लिखेगा, ऐसा है क्या कहीं? जब वो आपसे पूछ रहे हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धि किस में है, इसका मतलब आपका ध्यान सिर्फ किस पर होना चाहिए? वर्तनी संबंधी अशुद्धि पर, बाकी पर ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। आप कई बार यहाँ से भटक करके दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही ये है, आपसे पूछ सकता है उपसर्ग संबंधी अशुद्धि कौन से वाक्य के अंदर है। मैंने वाक्य लिखा है उपसर्ग से जुड़ी गलती है। क्यों है? क्योंकि दर उपसर्ग और दर का अर्थ में, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अगर एक वाक्य में एक जैसे अर्थ देने वाले दो शब्द उपस्थित है तो वाक्य व्याकरणिक रूप से गलत है। नहीं समझ में आई तो आप सबको एक उदाहरण बहुत अच्छे से पता है, कौन सा? मुझे केवल मात्र 100 रुपये चाहिए, किसी से भी पूछो सब बता देंगे अशुद्ध है। केवल और मात्र सेम है, कोई चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगे। ये दर उपसर्ग है, दर का अर्थ क्या होता है? में। अब या तो आप दर लगा लो या आप वहाँ पर क्या लगा लो, में। दोनों में से एक चीज़ लगा सकते हो, यहाँ पर दोनों ही लगी हैं, इसलिए वाक्य क्या हो चुका है? ये अशुद्ध। रीजन बता दिया, तो ये वाक्य अशुद्ध हुआ सिर्फ इस हिस्से की वजह से। सेकंड बात, अशुद्धि क्यों नहीं आपको ये समझ में आती? वो इसलिए नहीं आती, हमें दैनिक जीवन में बोलने की आदत पड़ी हुई है। क्या? कि दरअसल में मैं वहाँ गया था, दरअसल में मैंने ये किया, दरअसल में ये कह रहा था। जैसे ही दरअसल बोलते हो तुरंत क्या लगाते हो? मैं। हैबिचुअल हो, आदत पड़ी हुई है, इसलिए देखने से पता भी नहीं चलेगा गड़बड़ है क्या। गड़बड़ ये कि इस दर उपसर्ग का अर्थ क्या ही होता है? मैं। अब ये अगर आप दर लगा रहे हो तो आप आगे मैं नहीं लगा सकते हो, और अगर आप आगे मैं लगा रहे हो तो आपको क्या हटाना पड़ेगा? दर। दोनों हो गए वाक्य अशुद्ध। यानी या तो वाक्य आपका होना चाहिए था दर असल मैं इसकी जिम्मेदारी उसे सौंपना चाहता था, मैं हटाइए, और अगर मैं लगाना है तो दर हटाओ,
फिर सेंटेंस बनाओ, असल में मैं इसकी जिम्मेदारी उसे सौंपना चाहता था। अब यह अशुद्धि हुई किससे संबंधित? उपसर्ग से संबंधित। और क्लियर कब हो? जब आपको उपसर्ग का क्या है अर्थ, और उपसर्ग आप पढ़ेंगे कल के उसमें वाक्य शुद्धि, तो आपको तो चार अशुद्ध वाक्य देकर ही शुद्ध पूछा जाता है, आपको पता कैसे चलेगा? तो दर उपसर्ग एक अर्थ इसका में उर्दू का उपसर्ग है। आप लोग बोलते हैं दरमियान, दरगाह, दरवेश, इन सब के अंतर्गत अगर आप देखेंगे कौन सा उपसर्ग आ रहा है? दर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता नहीं है दर उपसर्ग है क्या। शब्द तो यूज कर लिया, मयान का अर्थ तलवार आप बोलते हैं, यहाँ तलवार नहीं है अर्थ, यहाँ मयान का अर्थ है बीच, बीच में आप बोलते हैं हम दोनों के दरमियान, यानी बीच में। तो मयान का अर्थ यहाँ पर क्या है? बीच। समझ में आई क्या बात आप लोगों को? दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो एक चीज और, दरगाह गहा में घर में, दरवेश वेश में संत के वेश में। तो दर क्या है? उपसर्ग। अर्थ आ गया उपसर्ग का, तो शब्दों के अर्थ अपने आप आना शुरू हो जाएंगे आपको। समझ में आ गई बात आपको? तो उपसर्गों के क्या याद रखने चाहिए अर्थ, जब तक अर्थ नहीं होगा आप क्लियर नहीं कर पाएंगे अपना कॉन्सेप्ट। कैसे? तो मैंने आपको बता दिया, वो तो छोड़ो, मैंने कहा ना हिंदी के उपसर्ग ही क्लियर नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, मैंने आपको बता दिया उपसर्ग प्रत्यय दोनों मूल शब्द में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद भी अर्थ आएगा और हटने के बाद भी क्या आना चाहिए? अर्थ। और अर्थ भी क्या होना चाहिए? समान। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें, ये बता चुके उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश और मूल शब्द में जुड़ेंगे। एक और विशेषता, अगर हम उपसर्ग की परिभाषा की बात करें तो आप लोग बोल देते हैं जो शब्दांश शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये परिभाषा गलत है। पहली बात तो क्यों गलत है, इसका जवाब आपको कुछ समय के बाद पता चलेगा। उससे पहले इस परिभाषा में दो चीज़ें आई हैं। पहला, अर्थ में क्या कर देंगे? परिवर्तन, या अर्थ में क्या ला देंगे? विशेषता। तो उस पर जरा मैं आपको बताना चाह रही हूँ। उपसर्ग लगभग 95% अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन। बहुत कम क्या लेकर आता है? विशेषता। पर कैसे, वो सुनो। जैसे मान लीजिए एक शब्द है जय, मूल शब्द है, और आपको इसमें जोड़ना है परा उपसर्ग। तो सबसे पहली बात, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए जय शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि उसका विलोम बन जाए, जय का विलोम बन जाए। खूब आता है, ऑप्शन में मिल जाते हैं आपको ए, परा, वी, ऐसे क्या मिल जाते हैं आपको ऑप्शन। कहीं ए उपसर्ग लिखा है, कहीं वी लिखा है, और कहीं क्या लिखा है? परा। अच्छा, अब ये तो रटा हुआ है कि मैडम क्या बन जाएगा? पराजय। वो तो ठीक है कि परा आपने इसमें जोड़ा, शब्द बन गया पराजय। अगर हम कहें जय का अर्थ है जीतना, पराजय का मतलब हारना, अर्थ में क्या कर दिया है? शब्द के परिवर्तन। अच्छा, अब जरा इस जय में ए उपसर्ग जोड़ो, क्या बनेगा शब्द? अजय। अजय का मतलब जिसे कभी जीता न जा सके, वो है अजय। यही होता है इसका अर्थ। अर्थ में क्या कर रहा है? परिवर्तन। अच्छा, अब इसमें जरा वी उपसर्ग जोड़िए जय में, क्या हो गया? विजय। क्या विजय जय के अर्थ में परिवर्तन कर रहा है? नहीं, केवल क्या लेकर आ रहा है? विशेषता। विशेष जीत को क्या कहते हैं? विजय। यानी कहने का मतलब जो उपसर्ग हैं, पराजय अजय, इसने अर्थ में परिवर्तन कर दिया, लेकिन विजय में अर्थ ने परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उसमें क्या लेकर आया? विशेषता। पर विशेषता कम लेकर आते हैं, परिवर्तन ज़्यादा करते हैं। जैसे एक और उदाहरण की बात करूं,
स्मरण, स्मरण का अर्थ होता है याद। अब आप देखो इसमें आप वी उपसर्ग जोड़िए, शब्द बनेगा विस्मरण। विस्मरण का अर्थ क्या होता है? भूलना, जैसे हम भूल चुके हैं वो क्या कहलाता है? विस्मरण। तो स्मरण का अर्थ याद और विस्मरण का अर्थ क्या हो गया? भूलना। अब इसमें आप सम उपसर्ग जोड़िए, क्या बन गया है शब्द? संस्मरण। संस्मरण का अर्थ याद, विशेष याद। और भी नहीं तो महादेवी वर्मा वगैरह को तो आपने पढ़ा होगा, गोरा वगैरह संस्मरण लिखे हैं, जो बचपन की याद है उनको उन्होंने लिखा है। तो विशेष याद, ये इसने अर्थ में परिवर्तन न करके क्या लेकर आया है? विशेषता। तो वैसे अर्थ में परिवर्तन करते हैं, जैसे हार है, हार में आप वी लगाओगे क्या बन जाएगा? विहार। सम लगाओगे सनहार, उप लगाओगे उपहार, आ लगाओगे आहार, सम लगाई दिया सनहार। तो विहार, सनहार, उपहार, आहार और सारे शब्दों के अर्थ क्या हैं? अलग अलग, मूल शब्द वही है। क्या? हार। समझ में आई बात? तो कहें तो अर्थ में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन। दूसरी बात, प्रत्यय। प्रत्यय अर्थ में परिवर्तन नहीं करता न के बराबर। दूसरी बात, प्रत्यय तो पता नहीं आपके गलती कैसे हो जाते हैं, प्रत्यय के अर्थ भी अलग अलग नहीं होते हैं। लगभग 95% प्रत्ययों के अर्थ पुल्लिंग में वाला और स्त्रीलिंग में वाली का क्या देते हैं? अर्थ। इससे पहले भी मैंने आपको बताए हैं कुछ उदाहरण, जिसमें मैंने आपको वाला और वाली बताया, अकर्मक, कर्म से रहित वाला रूप, अकर्मक, वाला वाली है। यहाँ पर और भी आएगा तब आपको पता चलेगा। तो उपसर्ग अर्थ में क्या करेंगे? परिवर्तन। बहुत कम क्या लाएंगे? विशेषता। प्रत्यय लगभग क्या लेकर आते हैं? विशेषता। परिभाषा हम दोनों की क्या लिखते हैं? सेम। इसकी परिभाषा लिखो उससे पहली बात कि मैंने जो परिभाषा बोली, जो शब्दांश शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, ये गलत क्यों है? बहुत से लोग बोलते हैं, आप में से भी बहुत बोलते हैं, हमारे खुद के विद्यार्थी बोलते हैं, बहुत से शिक्षकों के मुख से हमने इसको सुना है। तो इस परिभाषा में केवल एक शब्द गलत था, क्या? आगे। आगे नहीं होना चाहिए था। कई कहते हैं क्यों आगे तो लगता है, नहीं आगे गलत क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका मानना ये होता है कि मान लो हार उपसर्ग है और इस हार उपसर्ग में आपको, सॉरी, हार मूल शब्द है और इसमें आपको उप उपसर्ग जोड़ना है, तो आपका कथन होता है हार के आगे, यानी ये होना चाहिए, ये आपकी सोच होती है। पर नियम कहता है कि हार के आगे तो ये होना चाहिए, आपकी परिभाषा तो ये है। तो बहुतों को समझ में नहीं आया ये क्या चीज है, तो आगे ही लगेगा। तो मैं आपको समझा देती हूँ, आप लोग बहुत से शिक्षकों से पढ़ते हैं, कई अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन जिस समय आपने बेसिक ग्रहण की 11वीं 12वीं तक की उस समय पढ़ा, आपको शिक्षक कहता था मोहन बाजार जाता है आगे लिखो, तो मोहन बाजार जाता है आगे लिखो, वह वहाँ से, तो आगे कहाँ? अगर आप यहाँ लिख रहे हो वह, तो ये तो आगे है नहीं, आगे है क्या ये? नियम से तो आगे यहाँ आना चाहिए आपके हिसाब से, तो मैं तो कहूँगी वह वहाँ से, मैं तो यहाँ लिखूँगी मेरा आगे तो ये है, लेकिन आप कह रहे हो हार के आगे, मतलब आपका आगे ये है। समझ में आई क्या बात? मेरा कहना है हार के आगे यानी यहाँ लिखो, और आप कह रहे हैं हार के आगे मैं तो ऐसा लिखूँगा, तो जाता है के बाद लिखना है वह बाजार जाता है, उसके बाद लिखो वह वहाँ से, तो जैसे मोहन बाजार जाता है वह वहाँ से, तो आगे कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे क्या इस वाक्य के? तो मेरे हिसाब से तो वह वहाँ से यहाँ आना चाहिए, यानी यहाँ से आगे, तो मैं यही तो कह रही हूँ हार के आगे। समझ में आई होगी बात तो आपको, यानी आगे की बजाय क्या लिखना चाहिए आपको? पूर्व, पहले, प्रारंभ,
आदि शुरू, एक आदि नहीं, पांच पांच शब्द हैं, उसके बाद भी आप तो क्या ही यूज करते हैं आगे, और आगे होते वो चीज क्या हो चुकी है गलत। तो इसकी सही परिभाषा होती है उपसर्ग की, कि जो शब्दांश शब्दों के, शब्द भी मूल शब्द, मूल शब्द बता दिया है किसे कहते हैं, जो शब्दांश शब्दों के पूर्व में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये अपनी क्या हुई है भाई, इसकी परिभाषा। विशेषता में मैंने आपको बताया है, नंबरिंग में विशेषता में मैंने आपको बताया है क्या, कि उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा किस में जुड़ेंगे, मूल शब्द में, मूल शब्द में जुड़ते हैं। दूसरा बताया है उपसर्ग अर्थ में क्या करेंगे, परिवर्तन। करते हैं और विशेषता भी लाते हैं। और तीसरी चीज मैंने आपको बोली है कि शब्द में जुड़ने के बाद भी शब्द का क्या निकलना चाहिए, अर्थ, और शब्द में से हटने के बाद भी शब्द का क्या निकलना चाहिए, अर्थ, और अर्थ भी दोनों के क्या होने चाहिए, समान। इतनी बात अपनी हो चुकी है। प्रत्यय केवल क्या लेकर आते हैं, विशेषता। अब उससे आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ कुछ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। क्वेश्चन है पहला, उपसर्ग है, आपको उपसर्ग बताना है कौन से शब्द में उपसर्ग है। मैं ऑप्शन लिख रही हूँ यहाँ पे आपके लिए, जिसे आपको ये पता चले आप गलत होते हो कहाँ होते हो। ऑप्शन, आया हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दो, अन उपसर्ग है, आखिर कौन से शब्द में अन उपसर्ग है। ऑप्शन लिख रही हूं, तीन ऑप्शन, अनजान, अनवय, अनेक, अनपढ़। फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है ऐसा, सेकंड ग्रेड में भी है। क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन के अंतर्गत है
उपसर्ग नहीं है, जिसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे आपके पास, आपको थोड़ा आइडिया भी रहेगा कि हमें करना कैसे है। ऑप्शन है इसके निरोग, नीरव, निरंद्र, एलडीसी वगैरह में भी आ चुका है ये तो, और नीरज। ये चार आपके क्या आ चुके हैं, मतलब ऑप्शंस इसके तीसरे के, और इसके साथ ही तीन प्रश्न क्या हो चुके हैं कंप्लीट। ये प्रश्न सिर्फ इसलिए हैं कि आपको ये पता चले हम गलत कैसे होते हैं, क्या क्या इनके आंसर्स हो सकते हैं, और फिर जब मैं बताऊं तो आपको पता चले आप कितने सही हो और कितने गलत हो। तो पहला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ओपल, दूसरा है औदक, तीसरा है ओतार और चौथा है कुलीन। सेकंड क्वेश्चन है अनुपसर्ग किस में है। अनजान, अनवय, अनेक, अनपढ़, ये चार ऑप्शन इसके हैं। क्वेश्चन नंबर तीन में उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है ये पूछा गया है। निरोग, नीरव, निरंद्र, नीरज। मेरे हिसाब से आप सब ने अपने अपने उत्तर सोच के तो रखे ही होंगे कि पहले वाले में क्या आंसर दे सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि सभी के आंसर्स तो मुझे पता नहीं चल सकते हैं, लेकिन इतना कन्फर्म है कि लगभग बच्चों का आंसर जो पहले वाला है इसका सबसे ज़्यादा निकलता है कुलीन, जो गलत होता है। इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ। पहले तो फर्स्ट का आंसर है अवतार, सेकंड वाले में तो बच्चा ये और कह देता है मैडम एक से ज़्यादा में है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है बाकी ये क्वेश्चन भी। ये लिए इसीलिए गए हैं क्वेश्चन कि आपको आपकी गलती का पता चल पाए। थर्ड वाले का, सेकंड वाले का आंसर थर्ड है अनेक, और क्वेश्चन नंबर तीन खूब आ चुका है, इसका आंसर चार नंबर। ये इनके आंसर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर एक, उस पर सबसे कम लोगों का सुझाव रहता है कि उतार कैसे आ गया। मैं कई बार पूछ लेती हूँ विद्यार्थियों से कि मुझे ये बताओ आपने कभी औ उपसर्ग पढ़ा भी है या नहीं, तो कहते हैं नहीं पढ़ा हमने तो कभी भी। तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि आप जितने हो जिस भी सब्जेक्ट के हो सभी ने पढ़ा है, खूब पढ़ा है। कहते नहीं हमने नहीं पढ़ा, तो मैं एक और पूछ लेती हूँ उनसे कि क्या अव उपसर्ग पढ़ा है, तो कहते हैं हाँ ये तो पढ़ रखा है, तो ये पढ़ा है तो ये भी पढ़ा है, क्योंकि चीज़ें तो दोनों ही समान हैं। एक तो पढ़ा हुआ है और एक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, ये कमाल की बात हो जाती है। यानी आप पढ़ते हो तो ये ध्यान ही नहीं देते हो, बस इन दोनों में एक ही चीज़ का अंतर है, तत्सम तद्भव वाला अवरूप देशज वाला रूप बन जाता है और अव तत्सम वाला रूप होता है। मैं बच्चों से कहती हूँ कि मुझे तो बताना ही है ये जब अव आए आप इसकी जगह ये अव लगा के देख लो, तत्सम रूप बनेगा। अगर ऐसा कोई शब्द यूज है तो आप आराम से कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग यहाँ बात करें आपने खूब बोला है फिर भी नहीं, तो आप यहाँ देखो इन अव की बजाय अव लगा लो, तो औपल की बजाय शब्द बनेगा औपल, जैसा आपने कभी सुना ही नहीं, और यहाँ बनेगा अवदक। पटवार में आया हुआ है बाकी क्वेश्चन, ऐसा फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है क्वेश्चन, ऐसा भी जूनियर अकाउंटेंट में भी आया था इस उपसर्ग का, क्या था वो भी पता चलेगा। और अवतार में अव क्या आ गया, अव लगाना क्या बनेगा अवतार। अरे और भी नहीं तो कम से कम शब्द तो सुनी रखा है कि हाँ ये चीज है। अब आपको पर ये पता कब चलता, जब आपको ये तो पता होता कि अव के बजाय अव भी लगा कर देख सकते हैं और वो चीज़ क्या हो सकती है, क्लियर। लेकिन ध्यान ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। जूनियर अकाउंटेंट में पूछा था कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, और ये समझाने के बाद भी बच्चे खूब जवाब दे के आए। और सर कह रहे हैं ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। अरे पता तो चल रहा है तुझे कि शब्द बन रहा है अवसर,
सर का अर्थ है मौका, विशेष जो मौका मिला है आपको वो है अवसर। अब आ गया इसके अंदर तो, लेकिन कह रहे हमने देखा नहीं, खूब पढ़ाया आपने ओगुण, अवि उपसर्ग है, ये पढ़ाया ही है, तो मैंने आपके इसको उदाहरण बता रही हूँ, बाकी तो आप खुद पढ़ेंगे तब क्लियर हो ही जाएगा, कुछ मैं यहाँ से आपको क्लियर कर रही हूँ। अवगुण समझ के पढ़ा है, अवगुण यूज करते हो तो इसका मतलब अव उपसर्ग है, और अवगुण तो आप सब दसवीं तक ही कबीर की रचनाओं में पढ़ चुके होते हो शब्द में, तो अवगुण ओसर ओतार इन सब में कौन सा उपसर्ग आया है, अव। और सबसे बड़ी बात ये हिंदी का उपसर्ग है, अव वाला रूप जो है, और वो आपको पता ही नहीं है, जबकि आपके आ चुके हैं। एक बार पूछा गया था चौ वाला, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में देखोगे तो एक चौ उपसर्ग मिलेगा आपको, चौ का अर्थ होता है चार, चौराहा चौमुखा अगर आपको ज्ञात हो तो वो वाली चीज़ है, पर पता तो तब चलेगा जब आप उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो आएगा कैसे, चौतरफा वगैरह सब यहीं पर ही आएंगे। उदाहरण कोई भी हो सकता है, शब्द कोई हो सकता है, आपको पता होना चाहिए वो गलत कैसे और सही कैसे। सबसे बड़ी बात हमारी समस्या, आपने जैसे ही इस कुलीन शब्द को देखा आपकी बात छह खिल गई, क्यों, अरे कुत तो हो गया उपसर्ग और लीन आ गया मूल शब्द, आपके दिमाग में ये रहता है। अच्छा आपसे पूछ लो तो कु उपसर्ग आप सबको आता है जितने भी आप पढ़ने वाले हैं। अच्छा मैं ये पूछ लेती हूँ, बताना कु का अर्थ क्या होता है, कहते हैं मैडम बुरा, ये और भी बुरा होता है कि आपको अर्थ भी आता है उसके बाद भी आप सही तक नहीं पहुँच पाते हो, यानी सब चीज़ें आ रही हैं उसके बाद भी आप क्या हो रहे हो गलत। अब यहाँ देखो निकाला कैसे जाता है, पहले शब्द का मूल जो वहाँ दिया हुआ है उसका अर्थ लोगे, उसके बाद उनका टुकड़ा करोगे और फिर उनका अर्थ लोगे, अगर दोनों चीज़ें समान हुई तब तो है, और दोनों समान नहीं हुई तो इसका मतलब वो चीज़ उसमें नहीं है। अब यहाँ देखो आपने यहाँ कुलीन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कुलीन का अर्थ होता है ऊँचे कुल का, श्रेष्ठ कुल का, या संभ्रांत वर्ग का, आप ऐसे बोलते हैं जिके में पढ़ते हैं कुलीन वर्ग आप लोग। अच्छा कुलीन शब्द का अर्थ ले लिया, अब जरा इसका टुकड़े का भी तो अर्थ ले लो, कु का अर्थ क्या हो गया, बुरा, और लीन हाँ इसका भी तो अर्थ होता है मग्न हो जाना किसी चीज में, रत हो जाना, फिर अर्थ क्या निकला, बुरा मग्न बुरा रत, और कुलीन शब्द का अर्थ क्या है, ऊंचे कुल का है ना। कुलीन शब्द अकेला 10 वर्ष से ज्यादा आ चुका है प्रत्यय में, मैं आपको बता देती हूँ। अभी यहाँ समस्या देखो, शब्द का मीनिंग कुछ और है, शब्द का अर्थ कुछ और है, और उसके टुकड़े का अर्थ कुछ और है, और आपको ये ध्यान ही नहीं है, आपको तो रटा हुआ है कु तो उपसर्ग होता है, कर दिया आपने, ऐसे थोड़ी ना होता है। कुलीन के अंदर तो मूल शब्द कु की बजाय कुल होगा और प्रत्यय होता है इन। सबसे बड़ी बात जब प्रत्यय पढ़ते हो तो एक प्रॉब्लम और आती है, क्या इक की मात्रा छोटी करूं या बड़ी, टुकड़ा पूछ लिया कुलीन का कुल धन इन, एक में छोटा ही एक में बड़ा, तो वो तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यय एजिट जुड़ता है, आपको दिख रही है मात्रा लय में इक की बड़ी है, इसका मतलब 100% इक के अंदर भी मात्रा कैसी आएगी, बड़ी, समझ में आ गई। जैसी मात्रा होती है वैसे के वैसे क्लियर होती है, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ शब्द लिखा मैंने नागिन, अब ये देखो नाग मूल शब्द है और इन प्रत्यय, लेकिन इनमें इ की मात्रा बड़ी नहीं है, क्या है, छोटी है, ये छोटी मात्रा का प्रत्यय, इसका मतलब आपके दोनों प्रत्यय होते हैं, इन भी होता है और इन भी, जबकि मैंने बहुत बार देखा है मात्रा छोटी करूं एत करूं कि अइत करूं, मात्रा वाला चुनूं या बिना मात्रा वाला, जबकि उसमें मात्रा तो चुनने की जरूरत नहीं है, जैसा लास्ट में है वैसा का वैसा ही जुड़ता है, समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ से सुनिए अब आगे के बात, तो कुलीन में मूल शब्द क्या आया, कुल, इन प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ बताया था वाला,
स्त्रीलिंग है तो वाली, तो टुकड़े का अर्थ हुआ कुल वाला, तो जो कुल वाला है वो क्या कहलाता है, कुलीन। तो हम बात करें तो कुलीन में तो कुल मूल शब्द है, और कुल मूल शब्द है तो इसका मतलब इसमें कूपसर्ग हो ही नहीं सकता। कई बच्चे जब पढ़ रहे होते कहते हैं कुमार आ जाएगा इसमें, अच्छा एक बार देखो तो सही। फिर कुमार किसको बोलते हो, नवयुवक को। अब टुकड़ा कर रहे हो कुधन मार, कुकर क्या हो गया, बुरी या बुरा, रहित कर देते हैं कई जगह अर्थ, और मार यानी मार, बुरी मार। फिर मैं पूछ लेती हूँ अच्छी मार भी होती है क्या, भाई डिसाइड किया हुआ हो ये मार अच्छी वाली है और ये मार बुरी वाली है। और दूसरी बात, ये वैसे मैं मजाक में भी नहीं बोल रही, कु का विलोम होता है सु, सु भी उपसर्ग होता है, तो कहीं पता चले सुमार भी हो और कुमार भी हो। अरे कुमार तो मूल शब्द है, नव युवक के लिए क्या किया गया है प्रयुक्त, इसमें कोई उपसर्ग वगैरह नहीं है। कैसे पता चलेगा उपसर्ग का, ये देखो आप पहला स्टेप होना चाहिए शब्द का अर्थ लो। ये शब्द है कुमार्ग, पहले शब्द का अर्थ लीजिए। कुमार्ग का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, बुरा मार्ग, बुरा मार्ग होता है ना। अब ये आया शब्द का अर्थ, अब देखो यही अर्थ टुकड़े का भी है क्या। अगर दोनों का अर्थ सेम है तो इसका मतलब वो है, और दोनों का अर्थ सेम नहीं है तो इसका मतलब वो उसमें नहीं है। तो अब देखो कुमार्ग वाले में बात करें, कु यानी बुरा और मार्ग यानी मार्ग, बुरा मार्ग, बुरा मार्ग होता है। और अब देखो कु की बजाय सु लगाओ, क्या बनेगा, सुमार्ग। सुमार्ग मतलब अच्छा मार्ग। ऐसे ही और उदाहरण में बात करूं, जैसे शब्द आता है कुकर्म, को यानी बुरे कर, तो शब्द का अर्थ भी वही होता है और टुकड़े का अर्थ भी वही है, इसका मतलब इसमें कुपसर्ग है। तो यहाँ पर सु करोगे तो क्या बन जाएगा, सुकर। समझ में आ गई, अच्छे कर। ऐसे ही कुपुत्र, तो उधर सुपुत्र बन जाता है, बुरा पुत्र हो जाएगा। कुपोषण, पोषण से जो रहता है, तो वहाँ सुपोषण बन जाएगा। इसका मतलब कु और सु उपसर्ग है, अर्थ क्या है वो पता चल गया। ये बता दिया जो शब्द का अर्थ है वही किसका अर्थ होना चाहिए, टुकड़े का। अगर आपने ये करना सीख लिया तो आप समझ लो कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर। तो सबसे पहली तो बात है आपको अर्थ आने भी चाहिए। तो ये तो बात हुई हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर, मैंने उसमें आपको अउपसर्ग भी बता दिया, कु भी बता दिया और सु भी बता दिया है। इसके बाद सेकंड देखो अनुपसर्ग है, फर्स्ट ग्रेड में आया ये क्वेश्चन। जब ये आया तो मुझे लगा बहुत सरल प्रश्न दे दिया, बाद में पता चला बच्चे कह रहे हैं ये क्वेश्चन तो बोनस होगा क्योंकि एक से ज़्यादा में अनुपसर्ग है मैडम। पहली बात, पहला और दूसरा तो देखते ही हट गया, क्यों, क्योंकि आपसे जो उपसर्ग पूछा गया आप देखिए उसमें नेपर हलंत है, अन में दिख रहा होगा नेपर हलंत, यानी अन में न कैसा होना चाहिए आधा, और अनजान और अनपढ़ में न कैसा है, इसका मतलब वो दोनों तो होते ही नहीं है। फिर आपके मुख से एक ही बात निकलती है क्या, हलंत तो दिखा ही नहीं, तो हलंत नहीं दिखेगा तो बेटा आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है, फिर हो सकता है नंबर आता आता रह रहा हो पॉइंटों में, आपको आप ध्यान ही नहीं देते हैं कहाँ अलंत वाला पूछा और कहाँ अलंत वाला नहीं, जबकि इससे पहले आपने समास पढ़ा है, वहाँ अन की बात हुई है उपसर्ग की, अनिच्छुक अनपढ़ वहाँ आपको दिख रहा है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है अन में न पर अलंत भी हो सकता है और बिना अलंत वाले भी आ सकते हैं उसके अंदर, पर समस्या वही क्लियर नहीं, इसलिए वो चीज़ क्या हो जाती है गलत। तो एक और चार तो ए और दे तो देखते ही हट जाता, बचते कितने, दो। बच्चा क्या सोचता है,
हाँ, अनवेनय आधा हो गया, वह मूल शब्द हो गया, वह का अर्थ भी होता है उम्र। लेकिन प्रॉब्लम, अनवय का अर्थ तो होता है मेल, और अगर आपको संधि आती है, बाकी संधि आएगी भी आगे प्रत्यय के बाद, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर अनवय का जो टुकड़ा है वो अन्य धन अय नहीं, वो वय नहीं है, बल्कि अनुधन अय है। यण संधि का उदाहरण है। अनुपसर्ग होता है अनुगमन करना, आपने पढ़ा होगा अनुगमन, उसके अंदर अनु क्या हो जाता है, उपसर्ग रूप, गम धातु रूप आता है, प्रत्यय भी उसके अंतर्गत होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक से अधिक उपसर्ग और प्रत्यय कौन से शब्द के अंदर है। एक शब्द में एक उपसर्ग हो सकता है, एक प्रत्यय हो सकता है, दो प्रत्यय, एक उपसर्ग, एक से ज़्यादा भी उपसर्ग हो सकते हैं। ये निर्धारित नहीं है कि नहीं हो सकते, आने को आ सकते हैं। अनुधान आए, इसके अंदर अनु क्या आ गया, उपसर्ग, और आपको क्या पूछन रहा था, अन। अब एक ही ऑप्शन बचा, तो कई बार ये देख लो अन नहीं पता तो बाकी जो नहीं है वो हटा दो, बचा हुआ अपने आप उत्तर आ जाएगा। अनेक है, अगर आप अनेक शब्द का टुकड़ा करते तो टुकड़ा होता अन धन एक। ने पर अलंत लगते ही ने का ए बाद में जाता, अन यानी रहित, एक यानी एक, एक से रहित, और आंसर क्या हो जाता, अनेक। समझ में आई बात? अगला देखो, अब आप उपसर्ग नहीं है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में भी नीरज में संधि की हुई है, अपने अभी संधि पढ़ी नहीं है, मैंने बहुतों को देखा है, वैसे ये क्वेश्चन में खूब आ चुका है। सबसे पहली बात, बहुत जने नीरव और निरंद्र पढ़ जाते, विसर्ग संधि के वो उदाहरण है, जहाँ एक नियम पढ़ते हैं आप, यदि ई विसर्ग और उ विसर्ग के बाद र आए तो ई विसर्ग ई में, बड़े ई में, और उ विसर्ग बड़े उ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देखिए आप जरा, इसके अंदर निरोग, निधन रोग, रोग से रहित, नीरव निधन रव, रव का अर्थ होता है आवाज, नी यानी रहित, आवाज से रहित, यानी नीरव हम किसको बोलते हैं, शांत को। निरंद्र, रंध्र होते हैं त्वचा के छिद्र, निधन रंध्र, रंध्रों से रहित। नीरस किसका पर्यायवाची होता है, नीरस कमल। अब पर्यायवाची पढ़ते हैं, पानी के पर्यायवाची के पश्चात अगर जय आए तो पर्यायवाची कमल का होता है, वो जनों को पता है लगभग लगभग को, जलज, वारिज, नीरज, सरोज बोल लेते हैं आप, तो ये तो पता है कि नीरज का अर्थ क्या है, कमल। तो संधि का भी यही नियम है, जो शब्द का अर्थ है वही टुकड़े का, मैंने आपको ऑलरेडी तीन के बताए हैं यहाँ पे। अब देखो, अगर आप इसका संधि विच्छेद करना भी चाहोगे, आप ये करोगे इसका संधि विच्छेद, फिर अर्थ क्या निकालोगे, नी धन रज, नी यानी रहित और रज यानी धूल, क्या अर्थ निकल रहा है, धूल से रहित, और नीरज का अर्थ क्या है, कमल। उसमें भी अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता देती हूँ, नीरज में तो मूल शब्द नीर है और जय क्या है, प्रत्यय, तो नीर यानी पानी में से और जय यानी जन्म लेने वाला, तो पानी में से जन्म कौन ले रहा है, कमल, तब होगा वो तो। और नीर निकालोगे तो नीर तो कोई उपसर्ग ही नहीं है, फिर वो होगा कैसे। तो पूरा खेल उपसर्ग का किससे जुड़ा हुआ है, अर्थ से। अर्थ आएगा तो आप कर लोगे और अर्थ नहीं आया तो आप उसे नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? तो अर्थ का आना जरूरी, उसमें भी अर्थ में बता दिया, जो शब्द का अर्थ है वही किसका अर्थ होना चाहिए, टुकड़े का, दोनों के अर्थ समान होने चाहिए। इतने बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को। आगे की बात करनी है हमें उपसर्ग में,
देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आगे वाली बात, तो कुछ उपसर्ग बताने हैं आपको। यों तो कोई भी वो पूछ सकता है, लेकिन वो जिनके बारे में हो सकता है आप जान करके भी क्या बने हुए हों अनजान, तो मैं उन उपसर्गों पर आपकी क्या कर रही हूँ बात। एक आरएस में पूछ लेता है कि दो उपसर्ग के योग से तीन शब्द बनाओ, दो शब्द बनाओ, तो हमारे स्टूडेंट्स के आंसर क्या होते हैं? दुराशा, दुर्बल, दुस्साहस, दुरुपयोग, ये वाले शब्द दुराज वगैरह आते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, इनमें से एक भी उदाहरण नहीं है। आप मुझे जितने उदाहरण बता रहे हैं वो संस्कृत के उपसर्गों के बता रहे हैं, जो एक तो दु आप बोल रहे हैं जो दुराज वगैरह, एक आप बोल रहे हैं दुर दुरुपयोग वगैरह, और एक बोल रहे हैं दुस्साहस वगैरह जो होता है दुस। तीन उपसर्ग हैं, तीनों किसके हैं? संस्कृत। तत्सम, ये उपसर्ग से जितने शब्द हैं यानी वो तत्सम है फिर सारे आपके हैं नहीं, बाकी तत्सम तद्भव समझने की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से बच्चा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ता अपने आप क्या हो जाते हैं क्लियर। तो यहाँ देखे, मैं उन्होंने पूछा है दू और आप बता रहे हैं दुहु, दुर या दुष, बोतों को तो अर्थ ही नहीं आता, अर्थ नहीं आता इसलिए उदाहरण वही तो बताएंगे जिनका अर्थ आता है। ये हिंदी के उपसर्ग में जिसका अर्थ होता है दो, इसका उदाहरण क्या होता है? अगर हम बात करें दुराहा, दुमंजिला, दुपट्टा, दुरंगा, दुमोहा, दुवन्नी, दुनिया भर के उदाहरण है। दुपट्टा है, दुमोहा है, दुरंगा है, दुमंजिला है, दुरंगा है, दुवन्नी है, सब इसके उदाहरण। पता कब चलेगा? जब उपसर्ग पढ़ोगे। सबसे बड़ी बात तो ये, आपको ये नहीं पता है कि इनमें कुछ डिफरेंस है क्या, अलग अलग जगह भी हैं क्या। पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक शिक्षक केवल आपका मार्गदर्शन कर सकता है, वो ये बता सकता है आप गिरेंगे कहाँ, आपको क्या करके पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ोगे कि गलतियाँ नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने खुद ने मेहनत नहीं की तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ी होगी सिलेक्शन होगा नहीं। तो इसका मतलब आपको हिंदी के मुख्य पांच में से मैं कुछ के यहाँ पे बता रही हूँ उदाहरण आपको, आगे सुनो। अगर मैं बात करूँ आगे की, तो एक और पूछता है निउपसर्ग के उदाहरण। स्टूडेंट, निरोग, निराशा, निर्बल, निरुद्देश्य, निरुपाय वगैरह जैसे ये उदाहरण बोलते हैं, जो उदाहरण किसके हैं? नीके, निरके या निस्के, जो संस्कृत के क्या हैं? उपसर्ग। अब आप तुलनात्मक रूप देखोगे तो वहां के भी उदाहरण क्लियर हो रहे हैं उपसर्ग के, और हिंदी वाले भी हो रहे हैं। वैसे संस्कृत में अकेला नी भी आता है, क्वेश्चन तो आ चुका है, लेकिन मैं हिंदी वाला आपसे पूछ रही हूँ। संस्कृत वाले की बात करूँ तो आपने खूब पढ़ रखे हैं, निषाद, निडर, निषेचन, याद है कि नहीं आता है उस समय आपको जब करना होता है? अरे इस वालों को किताब में देखते हैं तो याद आ रहा होता है। निषाद वगैरह में आप संधि वगैरह क्लियर करते हैं। इसका उदाहरण आ चुका है, इसके उदाहरण की बात करें निकम्मा, निठल्ला, निहत्था, निपुत्ता, सब इसी के ही उदाहरण है। नि का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ वही होता है जो उनका होता है, फिर भी मैं यहाँ उबलिक करके लिख देती हूँ। इसका अर्थ विशेष या रहित के अर्थ में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है, अर्थ इसके अलावा भी हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो यूज में आता है वो अर्थ मैंने आपको इसका लिख दिया है। इसमें निपुता, पुता यानी पुत्र, पुत्र से रहित निपुता, निहत्था, हत्था यानी हथियार, हथियार से रहित निठल्ला, देशज शब्द है, ठाला मूल शब्द बनता है, आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में। तो विशेष रूप से जो ठाला है
या विशेष रूप का अर्थ है, और निकम्मा जो काम से रहित है, निधन काम। तो कौन सा उपसर्ग हुआ ये? नि। आगे सुनो, एक होता है उन उपसर्ग जिसका अर्थ होता है एक कम। जी बात कर लें, आप में से बहुतों को 19, 29, 59 में बड़ा जानना चाह रहे थे कौन सा समास। मैंने कहा था आगे आएगा, वेट कर लो, तो इंतज़ार खत्म हो चुका है आपका। यहाँ पर आपको उस प्रश्न का क्या मिलेगा जवाब। सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट से जब पूछा जाता है उन उपसर्ग के उदाहरण, तो स्टूडेंट कहते हैं उन्नयन, उन्नति, उन्नायक, ये उदाहरण बताते हैं। जबकि मैं आपको बात करूं, वो तो उदाहरण है उत्के, और वो आपसे उतनी पूछ रहा, उन पूछ रहा है, गिनती है, और हिंदी का ये उपसर्ग है। आपका ध्यान नहीं होता, इसलिए वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है। उसमें पूछा था आरएस में 19 में समास विग्रह, 20 को बोलते हैं, एक कम 20, 29 एक कम 30, 69 एक कम 70, 70 मतलब 70। ये वहाँ पर इसके उदाहरण है, गिनती वाले आते हैं 19 से लेकर के 79 तक के उदाहरण, 9-9 वाले, वो सब इसी के अंदर ही आते हैं। 59 आ गया, 69 आ गया, 79 आ गया, ये सब 79 वाले तक। वो एक और है, 79 और 89 में और गड़बड़ करते रहते हो। अगर समझ कर पढ़ाओ तो कभी नहीं करो। 89, 90, 80, 9 का अर्थ होता है 9, 80 यानी 80, 80 में 9 यानी 89, 89, 79, 9 यानी एकम 80, एकम 80 यानी 79। तो देखते ही आपको अपने आप ही क्या हो जाए पता, लेकिन कब, जब आपने उसको क्या किया हो, ढंग से पढ़ा हो, तब तो आ जाएगा कि 89 में 9 जुड़ गया 80 में, और 79 में 80 में से क्या हो गया है, कम हो गया। आगे की बात कर ले हम इसमें। अब बात आती है समास की, तो 19, 29 में समास कौन सा? तो अभी सिंपल बात है, ना तो इसमें और आ रहा कि ये द्वंद्व होगा, ना इसके अंदर संख्याओं का क्या आ रहा है, समूह। पहला पद क्या आ रहा है? उपसर्ग। इसे किसका उदाहरण होगा? अव्ययी भाव का, और अव्ययी भाव ऑप्शन में नहीं मिला, तो ये सारे उदाहरण कहाँ पहुँच जाएंगे? आपके बहुव्रीही समास में। समझ में आ गई बात? क्योंकि एक गिनती क्या हो जाएगी, क्लियर। तो उपसर्ग में कैसे है पता चल गया, क्योंकि इनका पहला पद क्या हो जाता है, ओ सॉरी, अव्ययी भाव में क्यों आए, तो पहला पद क्या होता है? उपसर्ग। इसलिए आपको कौन से में भी नज़र आ जाएंगे? अव्ययी भाव समास में भी। और दूसरी चीज़, अगर वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिली अव्ययी भाव, तो ये सारे उदाहरण किस में पहुँच जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। क्लियर हो गया? राउंड फिगर, और राउंड फिगर से जस्ट पहले वाली संख्या में द्विगु समास नहीं हो पाता है। संख्या में समूह नहीं बोला है, यानी 20, 30, 40 में नहीं होगा। अर्धशतक बोल रहे हो तो उसके अंतर्गत तो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? आगे की बात करें तो ये उन वाला आपको क्या मिल चुका है जवाब। अब उससे आगे की बात करती हूँ। ये सब हिंदी के उपसर्ग लिख रही हूँ मैं, एक औ मैं बता चुकी हूँ आपको, ये है अध। अगर हम बात करें, स्टूडेंट कहते हैं अधो भाग, अधो वस्त्र, अधो पतन, ऐसे बोलते हैं जवाब में, जबकि वो है अध। अध का अर्थ होता है नीचे, ये अव्यय है, ये जो अध का अर्थ है नीचे, जो संस्कृत में उपसर्ग की तरह है यूज होता है। अधो भाग, अधो वस्त्र, वो इसके उदाहरण है। ये है अध, इसका अर्थ होता है आधा। अच्छा, अर्थ अगर आपको आ गया, अर्थ आते के साथ क्लियर हैं आपके ऑप्शंस, अधमरा,
अध पका, अध जला, अध खिला, सारे क्या हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया? तो कहने का मतलब, आप अर्थ याद रखोगे तो आराम से पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आएंगे। ऐसे आगे सुनो, ये हिंदी वाले हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको बता रही हूँ। ये हिंदी का नहीं है, सर उपसर्ग। कई बार पूछ लेती हूँ छात्रों से, बताओ भाई कौन सी भाषा का उपसर्ग है, तो स्टूडेंट कहते हैं अंग्रेजी का। चलो ठीक है भाई, मान लिया, लेकिन ये अंग्रेजी का नहीं, उर्दू का है, जिसका अर्थ होता है बड़ा या मुख्य, ये इसका अर्थ होता है। उदाहरण के बात अगर आप करें, सरपंच, सरकार, सरपंच, सरकार, सरदार, सरहद, सरफरोश। हालांकि मैं शब्द चार ही लिखना चाहती थी, पर अभी लिखे पांच गए, कोई बात नहीं। मैं चार क्यों लिखना चाहती थी, इनमें से मैंने सरदार शब्द हटा दिया, और ऐसे वो चार ऑप्शन देगा, सरपंच, सरकार, सरहद, सरफरोश, और फिर पूछेगा बताओ कौन से शब्द में सर उपसर्ग नहीं है, ऐसे देगा। अब आप हैं रटते, फिर पता नहीं सारे ही तो शब्द सुने हुए हैं, अब कौन सा, यानी इन चारों में से सारे सर के नहीं है, सरदार मैंने हटवाई दिया है, वो तो है इसका मतलब वहां पे। तो इसका आंसर है ये, इसमें नहीं है सर। लेकिन आप सर फरोश तो बिल्कुल नहीं हटाओगे, आप सरकार हटा सकते हो सबसे पहले। क्यों? क्योंकि सर फरोश तो सुना है ना हमने, बहुत सुना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बहुत गाया है। अच्छा अर्थ भी आता है आपको, वो और भी विडम्बना है क्या, कि सरफरोशी अपने आप को, अपने प्राणों को न्योछावर करने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यहाँ आपको उपसर्ग का अर्थ आ रहा है, सरफरोशी शब्द का भी अर्थ आ रहा है, उसके बाद भी आप ये जानने में असमर्थ है कि इसके अंतर्गत ये क्यों नहीं आया। कई सोचते हैं फरोश का कोई अर्थ नहीं होता ना, इसलिए जी फरोश का अर्थ होता है। हमारे हिंदी के एक कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी एक कविता है बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत बार आती है, गीत फरोश। जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, सुख के दुख के गम के गीत बेचता हूँ, कुछ ऐसी उनकी पंक्तियाँ हैं उसमें। फरोश का अर्थ होता है बेचने वाला, फरोश होता है बेचने वाला, और सर बेचने वाला, अपने सर को जो बेच रहा है वो क्या है, सरफरोश, यानी अपने प्राणों को जो हथेली पर लेकर के घूम रहा है वो है सरफरोश। तो जबकि सर का शाब्दिक अर्थ क्या बताया है, बड़ा या मुख्य। अगर आप इस सर का अर्थ बड़ा या मुख्य करोगे तो अर्थ निकला बड़ा बेचने वाला, मुख्य बेचने वाला, वो इसके अर्थ होते नहीं हैं। अब वो अर्थ नहीं है इसका मतलब इसमें वो चीज है नहीं। यहाँ सर मूल शब्द है जो इस सिर के लिए यूज किया गया है, समझ में आई बात? तो बात ये है कि आपको आएगा तभी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, सरहद, मुख्य हद, बड़ी हद, सरहद, मुख्य कार्य करने वाली सरकार, सरदार, बड़ा जो मुखिया है, पद वाला है, वो है दार, सरदार। तो सरपंच, बड़ा या मुख्य क्या हो गया है, पंच। समझ में आ गई क्या बात? तो सर फरोश यहाँ पर नहीं आया। आगे की बात सुनो, अगर उसने पूछ लिया हम उपसर्ग होता है क्या, या बिन आ गया, हर आ गया, तो
कईयों को तो ये लगता है ये उपसर्ग थोड़ी है, हम तो सर्वनाम होता है, मैं का बहुवचन जी, हम उपसर्ग भी होता है, हम का अर्थ होता है साथ, हम राज, हम सफ़र आप बोलते हैं, हम निवाला, हम प्याला ये आते हैं, इसका मतलब हम क्या है उपसर्ग। लेकिन अभी आपको पता चल रहा है, जैसे वहाँ पे शब्द दे देगा, एक दे दिया सरपंच, एक दे दिया नीरज, एक दे दिया ओसर और एक दे दिया हमराज, और फिर पूछेगा ऐसे ही जूनियर अकाउंटेंट में वो ओसर वाला था कि बताओ कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, एक जैसा होगा तो समझ में आ रही है बात आपको, लेकिन जब अलग अलग के एक एक शब्द उठा के रखेगा तो जिसने उपसर्ग नहीं पढ़ा है कि ये होता है या नहीं, वो सोच ही नहीं पाएगा उन चारों के अंतर्गत। तो एक बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिन, बिन का अर्थ होता है बिना, बिन पढ़ा, बिन लिखा, बिन सोया, बिन खाया, सब में कौन सा उपसर्ग है बिन। हर, हर भी उपसर्ग होता है, हर का अर्थ प्रत्येक के अंतर्गत आ जाता है इसके अंदर। आप लोग कुछ उदाहरण भी बोलते रहते हैं, बोलते हैं क्या हर जिला, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, हर जिला, हर शहर, हर कस्बा, इन सब में हर लगा हुआ है, जो किसके रूप में लगा हुआ है उपसर्ग। तो ऐसे ही एक जरा आगे देखो, इन पर मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि लिखे हुए तो ये आपको मिल जाते हैं, फिर भी एक आध उदाहरण मैं लिख देती हूँ अगर आपको थोड़ा सा वो रहे। हम का अर्थ बता दिया साथ या सहज, बिन का अर्थ बिना के अर्थ में है, बिन पढ़ा, बिन लिखा, बिन सोया, हर जिला, हर शहर, हर का अर्थ है प्रत्येक उपसर्ग का। फिर उसने कई चार अलग अलग शब्द में दे दिया इस फी को, या उसने ये पूछ लिया उपसर्ग है या नहीं, तो जिसने नहीं पढ़ा वो तो कभी नहीं सोचेगा ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। एक उदाहरण बेशक याद आ जाए फिजूल, वो तो फिर भी याद आ सकता है, बाकी वहाँ तो इतना सोचते ही नहीं आपको। ये फी उपसर्ग है, ये उर्दू का उपसर्ग है मैं आपको बताऊँ, और फी का अर्थ भी वही होता है जो हर का होता है, यानी प्रत्येक, और फी का अर्थ भी होता है हर। वहाँ उदाहरण आएगा फी जिला, फी शहर, फी कस्बा, लेकिन आप जैसे देखेंगे फी जिला फिर ये सोचोगे ये क्या दे दिया। फी सदी, सुना है क्या, तो हर सदी के अंदर जो कहते हो 100 फीसदी, यानी हर पूर्ण रूप जो सदी है वो रूप, तो फी उपसर्ग है। पता कब चलेगा, जब आप उसको क्या करेंगे पढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ और उपसर्ग पर बात करूं, जैसे बेबी उपसर्ग होता है, बेका अर्थ रहित होता है इसके अंदर, बेदाग, बेनाम। अच्छा, अर्थ आते ही उदाहरण तो आप सबको ही क्लियर हो जाएगा, तो बेदाग बेनाम वहाँ पर वो चीज़ आ जाती है, बेबी होता है, ऐसे ही बे और बे का अर्थ समान उसके अंतर्गत होता है। एक होता है ये बे तो क्या बा, हाँ वो सेम अर्थ में बा मुलायजा, बा होशियार, आप सब सुनते हैं बाका ही उसमें बाकायदा वगैरह, तो वो बा मुलायजा, बा होशियार सहित के ही अर्थ में है उर्दू का उपसर्ग। बद, बद में दे वैसे ज़्यादातर आधा मिलेगा, बद मिजाज, बद किस्मत, आप लोग बोलते हैं बदस्तूर, तो बद क्या हो चुका है उपसर्ग। तो कहने का मतलब उपसर्गों की कहीं सीमा क्या नहीं होती है, समाप्त, दुनिया भर के क्या हैं ये उपसर्ग हैं, लेकिन आएंगे कब, जब आपको क्या आएगा उनका अर्थ, और जो शब्द का अर्थ है वही किसका अर्थ होना चाहिए टुकड़े का, तब तो क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज वो आपको क्लियर नहीं होगा। होने को उदाहरण में हम और भी बात कर सकते हैं, जैसे एक उपसर्ग आता है प्रति, प्र भी आता है, तो प्रति के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो सुना होगा आपने प्रत्येक, प्रतिदिन, उसके अंदर प्रत्यंग, प्रत्युत्तर,
प्रतिधन अंग समास होगा, प्रत्येक अंग, प्रत्युत्तर। अब उस शब्द कोई आ जाए, ये मैंने आपको वहां पर उदाहरण में नहीं बताया था प्रति का, तो यहां बता देती हूँ। प्रतिधन उत्तर, उत्तर के बदले उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसके अंतर्गत अव्ययी भाव समास, संधि है और उपसर्ग भी है। अब देखो एक ही शब्द के अंदर संधि भी है, समास भी है और क्या भी है, उपसर्ग भी है, तीनों चीजें हैं। तो पढ़ोगे संभल करके, तो समास पढ़ रहे हो तो भी संधि क्लियर करो, संधि पढ़ रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए अगर समास वगैरह है तो क्या चीज़ है, और अगर उपसर्ग पढ़ रहे हो तो वहाँ भी संधि क्या करो क्लियर अगर आ रही है, समास आ रहा है तो समास। तो एक ही चीज़ से आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ, गैर शब्द खूब आते हैं आपको, गैर कानूनी, गैर हाजिर आप जानते हैं उसके अंदर, तो गैर क्या है इसके अंदर, उपसर्ग है। तो उदाहरणों का कहीं अंत नहीं है, कुछ अव्यय भी हैं, पर मैं उससे पहले आपको एक चीज़ ज़रूर समझाना चाहूँगी और इम्पोर्टेंट। एक पर उपसर्ग होता है, एक परा होता है, पराजय, पराभव, पराक्रम, ऐसे आप अर्थ बताते हैं, परा के तो खूब आ चुके। ये पर जब इसके पूछे जाते हैं उदाहरण आरएस वालों से कि पर उपसर्ग के उदाहरण बताओ, तो स्टूडेंट कहते हैं परदेश, पराश्रित, परावलंबन, गलत, कोई भी नहीं है इसका। आप जो बोल रहे हैं पर, उसका अर्थ आप निकाल रहे हैं दूसरा, और तब उदाहरण बता रहे हो पराश्रित, परावलंबन। फिर स्टूडेंट कहते हैं आरएस वाले पता नहीं करके तो आया था सारा ही, बस नंबर क्यों नहीं आए, पराधीन वगैरह सारे उदाहरण आ जाते हैं आपके इसमें। संधि करोगे परधन अधीन, ये संयोग है परधन देश, परधन आश्रित, सब में ही तो पर है, अर्थ भी निकल गया दूसरा, फिर क्यों नहीं है। तो जरा देखिएगा मैंने 15 नंबर पर भी एक पर लिखा है, ये बात वही है, आप नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा ही हाल होगा। जैसे अभी पूछ रही थी दुपसर्ग के उदाहरण और याद आ रहा था दुरुपयोग और दुस्साहस हो रही है आपको। ये जो पर उपसर्ग होता है इसका अर्थ होता है बड़ा या मुख्य। उदाहरण होते हैं इसके पर कोटा, पर दादा, पर नाना, पर पोता, ये सब उदाहरण किसके हैं, पर वाले के हैं। कोटा का अर्थ होता है क्षेत्र, शहर का मुख्य क्षेत्र कहलाता है पर कोटा, कोटा यानी क्षेत्र। तो पर पोता, सॉरी ये तय है, पर पोता लिख देते हैं, पर दादा, अब इन दोनों में अंतर नहीं पता बच्चों को, एक ही करके बैठते हैं। ये पर है अव्यय, जो संस्कृत में उपसर्ग की तरह प्रयोग होता है। अगर आप ये पढ़ना शुरू करेंगे उपसर्ग, तो पहले एक पर मिलेगा जिसका अर्थ दूसरा, कई किताबों में तो उल्टे सुलटे और उदाहरण लिखे हुए हैं उसका, उसमें उसका उसमें, और जैसे ही थोड़ा आगे जाओगे तो एक बार पुनः पर मिलेगा जो अव्यय नहीं है। अव्यय मतलब जैसे आप लोग एक पढ़ते हैं आविर, आविर्भाव वगैरह अपने शब्द सुने हैं, ये अव्यय हैं किसके, संस्कृत के। ये शुद्ध रूप से क्या नहीं है, उपसर्ग, उपसर्ग की तरह क्या होते हैं ये प्रयुक्त। तो ऐसे ये पर दो हैं, जो दो दूसरे का अर्थ देता है वो तो अव्यय है संस्कृत का, और जिसका अर्थ बड़ा या मुख्य है वो शुद्ध रूप से क्या है, उपसर्ग। तो
तो दोनों में से एक को चुनना होगा जब स्वर्ग में आपको, तो आप सबसे पहले कौन से वाले को चुनेंगे, जिसका अर्थ होता है बड़ा या मुख्य। आपसे पूछे भी कभी आप आरएस वगैरह दे कि पर उपसर्ग के उदाहरण लिखो, तो आपको उदाहरण परकोटा, परदादा, परपोता यही लिखने होंगे, तो ही आपको लिखित में क्या मिलेंगे नंबर। समझ में आया? ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने उपसर्ग में क्या बात की है। वैसे सब वगैरह अंग्रेजी के आपके होते ही हैं, सब इंस्पेक्टर वगैरह, हेड में हेडमास्टर वगैरह, तो उदाहरण तो दुनिया भर के आ जाएंगे, लेकिन आपको उनके क्या आने चाहिए अर्थ, वही है जो बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। तो एक बार पढ़ना ज़रूरी है, जो डबल क्रॉस करते हैं उनको मैंने आपको बता दिया। तो बता दिया है उपसर्ग लगभग अर्थ में क्या करेंगे परिवर्तन, बहुत कम क्या लाएंगे विशेषता, हमेशा मूल शब्द में जुड़ेंगे, और मूल शब्द वो जिसको आप आगे क्या नहीं कर सकते और टुकड़ा, और जो शब्द का अर्थ होगा उपसर्ग और मूल शब्द वाले का, वही अर्थ अलग करने पर टुकड़ों का भी होना चाहिए। जैसे वो दूपसर था, वहाँ लिखा गया दुकान, दे दिया उसने दूरा दू मंजिला दुपट्टा और फिर लिख दिया दुकान, तो बताना दुकान में भी धूप सर्ग आएगा क्या। अगर आप इसमें धूप सर्ग करोगे तो अर्थ निकालोगे दो कान, दो ईयर, दो कान, जबकि दुकान तो मूल शब्द है, इसका मतलब इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं आएगा, दो। तो अर्थ लेकर देखने होंगे तब आपको वो चीज स्पष्ट हो जाएगी। समझ में आया? वह ठीक, आगे की बात करते हैं अगले उसके अंदर। ये उपसर्ग पर बात हो गई है हमारी, जी अब हमें आगे बात करनी है किस पर। प्रत्यय में संधि होगी कहें तो उपसर्ग भी है और संधि भी है। प्रतिधन अय, अय का अर्थ होता है मेल, प्रत्येक के अंत में जो मिला क्या कहलाया भाई, प्रत्यय। अगर हम प्रत्येक की बात करें तो जो शब्दांश परिभाषा लिख लेते हैं पहले, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या विशेषता ला देते हैं उन्हें, प्रत्यय कहते हैं। यह है परिभाषा, मैं आपको बता चुकी हूँ अर्थ में परिवर्तन के बजाय ये क्या लेकर आते हैं, विशेषता। ये मैं बता चुकी हूँ कि लगभग अर्थ इनका पुल्लिंग का अर्थ होता है वाला, और स्त्रीलिंग का अर्थ क्या निकलेगा, वाली। अर्थ में भी समस्या नहीं है, जो शब्द का अर्थ वही किसका अर्थ निकलेगा टुकड़े का। सबसे पहली बात, प्रत्यय के पूछता है भेद, कई बार आ चुका है कि प्रत्यय के भेद कितने हैं, तो प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो प्रत्यय के दो भेद हैं। अगर कहें कौन कौन से दो भेद, पहला
कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय या तदिधांत प्रत्यय। कई बार चार शब्द देकर पूछ लेता है, बताओ कौन से शब्द में कृत प्रत्यय है, कई बार कौन से शब्द में तद्धित प्रत्यय है, और चार शब्द और चारों में ही क्या मिलेंगे, प्रत्यय। पता कैसे करें कि किस में कृत है और किस में तद्धित है? तो सबसे पहली बात तो कृदंत शब्द में संधि है क्या? मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग शब्द शुद्धि के पीछे पड़े हुए रहते हैं और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मैं आपको बताऊं कि 90% शब्द शुद्धि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वचन से जुड़ी हुई होती है। अगर ये 5 टॉपिक किसी को आते हैं तो 90% शब्द शुद्धि क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। और ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप केवल कुछ शब्दों को रट करके याद रख सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ बात कर ले, कृदंत में व्यंजन संधि होती है, कृत धन अंत, टुकड़ा इसका ही आएगा क्योंकि मुझे ये आगे समझाना है। इसका टुकड़ा कर दिया, कृत धन अंत, और तदिदांत में पहले दीर्घ आएगी, तद्धित धन अंत, और वैसे तद्धित में व्यंजन हो जाती है, तत् धन हित, उसका संधि विच्छेद हो जाता है। सबसे पहले कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, हम इस पर क्या कर लें बात। कृत का अर्थ होता है करना, हमारा फर्स्ट टॉपिक था क्रिया, मैंने बताया था आप लोगों को वहाँ पे कि करना क्रिया। तो मैं आपको बताऊँ, तद्धित आपके क्लियर हो ना हो 100% कौन सा प्रत्यय क्लियर हो जाएगा, कृत। और जो कृत का नहीं है वो समझ जाओ अपने आप ही किसका हो गया, तद्धित का हो गया। कृत का अर्थ करना, यानी अगर मैं कहूँ किसे कहते हैं कृत प्रत्यय, तो धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे भाई, कृत प्रत्यय। और तद्धित के अंतर्गत बात करूं तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण। के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय, क्या कहलाते हैं, तद्धित। तो एक कृत प्रत्यय और एक कौन सा हो गया, तद्धित प्रत्यय। चलिए बात करें हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत, क्या कृत प्रत्यय और क्या तद्धित प्रत्यय। तो धातु मैंने आपको बता दी थी, फिर भी इन केस आप भूल गए हो तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, यानी
संस्कृत में होती थी धातुएं और हिंदी में होती है क्रिया। तो संस्कृत की धातु के अंत में हमने ना लगाया और हिंदी में क्या बनाई हमने क्रिया। इसे आप जितनी क्रियाएं देखेंगे आपको सभी के अंत में क्या नजर आएगा, ना। चलना, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, उठना, बैठना, जागना, सब में क्या लगा हुआ है, ना। और आप जैसे इनमें से ना हटा दोगे क्या बन जाएंगी, धातु। जैसे चल, खा, पी, कर, सो, जा। पिछले ग्राम सेवक में ऐसा आया, अभी कुछ इन्हीं में से उदाहरण लेकर उसने पूछा था कि बताइए ये क्या चीज है, इसके अंदर क्रिया का आंसर में था मूल धातु। हम इन्हें मूल धातु बोलते हैं, धातु में भी ये मूल धातु कहलाते हैं। तो आप देखिए, आपको दिखने में तो एक वाक्य लगेगा, चल खा पी कर सो जा, लेकिन हकीकत ये इसमें वाक्य नहीं है। सबके बीच में आपको कोमा नजर आ रहा है, सब धातु हैं। ना लगाओगे तो क्रिया बनेगी, चलना, खाना, पीना, करना, सोना, जाना, सभी के अंत में क्या है, ना। समझ में आई बात? अब जब आपसे पूछेगा टुकड़ा, जैसे शब्द आ गया लिखावट, तो अगर हम बात करें वो दो देगा, एक लिखना धन आवट, एक लिख धन आवट, ऐसे वो दो देता है ऑप्शन में। तो कई सोचते हैं लिखना धन आवट, मैं एक बार लिख देती हूँ, और एक लिख धन आवट। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये आंसर तो हो गया है गलत इसमें, और ये क्या हो चुका है, सही। यानी हमेशा प्रत्यय किस में जुड़ेगा, धातु में, यानी ना नहीं होना चाहिए या क्रिया रूप नहीं होना चाहिए। जैसे पढ़ाई आ गया, पढ़ना धन आई और पढ़ धन आई, तो पढ़ना धन आई नहीं होगा, क्या होगा फिर, पढ़ धन आई। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हमेशा धातु में जुड़ेगा, क्रिया के अंदर प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। अगर आपको कभी पता नहीं चले किस चीज का कि ये धातु है या नहीं, तो उसके लास्ट में अंत में ना लगा के देख लेना, अगर वो क्रिया होगा रूप तो जैसे धातु में ना लगाओगे क्रिया बन जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा ये तो नहीं बन रहा, इसका मतलब ये नहीं है। तो कैसे पता चलो करा करोगे वो देखो आप, आया हुआ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, काफी बार आ चुका है, लुटेरा। अगर मैं बात करूँ टुकड़ा, सुनो, ये दिया था पटवार एग्जाम, ऐसे लिखा था ये, जो गलत था। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा ये गलत क्यों है। उसने क्वेश्चन दिया, चार अलग अलग शब्द, उनके आगे उनका टुकड़ा, फिर पूछा कौन से शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही प्रयोग है। तो मेरा जितना दायित्व है, जितने रूपों में आता है वो सारे मैं आपको बता दूंगी, आगे आपको उनको याद रखोगे नहीं रखोगे वो आपकी बारी होती है। तो ये गलत था क्योंकि हमारे स्टूडेंट जब प्रत्यय पढ़ते हैं तो उनका पूरा फोकस होता है कि प्रत्यय गलत निकलेगा, तो उन्हें ये लगने लगा एरा की बजाय ऐरा होगा शायद, ऊपर मात्रा लगेगी। अरे अभी तो बताया है जैसी मात्रा वैसे के वैसे निकलेगी, टे में ए है तो ए निकलेगा, ये तो सही है। पर ये लूट नहीं होता, मूल शब्द होता है लूट, और लूट में प्रत्यय कौन सा है, एरा। अब जिसे शब्द शुद्धि पता है
क्लियर करेगा। अब स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ सही है और कहाँ कौन सी चीज़ गलत है, और वहीं पर वो मात खा जाते हैं। तो लुटेरा में वो छोटा दिख रहा था, इसलिए स्टूडेंट्स को लग रहा था छोटा ही तो आएगा। लुटेरा में तो वो छोटा ही होता है, पर जो मूल शब्द होता है लूट, उसमें ऊ की मात्रा बड़ी। जब एरा प्रत्यय जुड़ेगा तो वो इस लय में जो ऊ है उसे क्या कर देगा, छोटा, और लुटेरा के अंतर्गत फिर मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो लुटेरा शब्द है ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है या तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है? तो एक ही चीज़ है इसके अंदर सामान्य से, अगर हम लोग बात करें यहाँ से लूट धातु है या नहीं ये चेक करना होगा आपको, टुकड़ा अलग करके मूल शब्द देखना होगा। तो लूट धातु है या नहीं, अगर आपको नहीं पता चले तो आप उसमें प्रत्यय लगा लो ना वाला रूप, मतलब क्रिया वाला। तो जैसे लूट में ना लगाओगे तो रूप बनेगा लूटना, लूटना क्रिया होती है, इसका मतलब लूट धातु है और धातु में लगा है, तो इसका मतलब लुटेरा प्रत्यय कौन से प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा, कृत प्रत्यय का उदाहरण। यानी इसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत। तो ऐसे एक शब्द होता है सपेरा, एरा प्रत्यय भी क्लियर हो जाएगा आपका। चलो लिखा गया टुकड़ा सांप धन एरा, बाकी अब खाली बिंदु ही लगती है इसमें, सांप धन एरा, चंद्र बिंदु की बजाय भी अब बिंदु ही लगाने लग गए, यानी अनुस्वार सा रूप नजर आता है। सपेरा है, सपेरा शब्द का टुकड़ा करोगे तो क्या बनेगा, सांप धन एरा, एरा तो पहले भी लिख दिया है। अब देखो सांप धातु है या नहीं है, अब आपको नहीं भी पता चले तो आप सांप में ना लगा के देख लो, तो शब्द बनता है सांप ना, सपना तो होता नहीं है, यानी इसका मतलब वो धातु रूप तो नहीं है, तो ना ही सांप सर्वनाम वगैरह है। जब पता नहीं है तो भी पता चल जाएगा ये संज्ञा है, अब ये संज्ञा के अंत में लगा है एरा, इसका मतलब सपेरा में कौन सा है, तद्धित प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय का है। मैंने ये बोला इसलिए है सपेरा उदाहरण, कईयों को लगता है लुटेरा में कृत था ना एरा, तो एरा के जितने उदाहरण है सब फिर यहीं आते, ऐसा नहीं बोला है मैंने, मैंने कहा है मूल शब्द और टुकड़ा करके देखना, ये नहीं है कि एक प्रत्यय का एक रूप यहाँ है तो एक यहाँ। हाँ किताबों में जरूर दोनों के मिक्स में उदाहरण मिल जाते हैं, लिखता ऊपर कृत पर तद्धित के भी दे देता है, लेकिन वैसे जब पूछेगा तो कृत मतलब धातु और तद्धित मतलब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। आगे देखिए आप इसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट में आया शब्द घुमाओ, अगर हम टुकड़ा करें इस शब्द का, उसने दिया छोटा ही था, घूम धन आव किया था जो क्या था, गलत। होना क्या चाहिए था घूम, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए थी, बड़ी। तो ये मैं बता रही हूँ कि एक एग्जाम में नहीं बहुत एग्जाम्स में ऐसा कर चुके हैं। अब देखो घूम धातु है या नहीं, तो आप जैसे ही ना लगाओगे तो क्रिया बनेगी घूमना, इसका मतलब घूम धातु है, इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो गया, कृत का। लेकिन आप जैसे ही देखोगे नमकीन, एक और उदाहरण लिख दिया, टुकड़ा करोगे एक ही मात्रा बड़ी, मैंने कहा जैसा प्रत्यय वैसा का वैसा निकलेगा, तो नमकीन में इन एक की मात्रा बड़ी। अब देखो नमक धातु है या नहीं है, धातु नहीं है बल्कि ये तो क्या है, संज्ञा है, तो नमकीन किसका उदाहरण बन चुका है, तद्धित प्रत्यय का। जैसे शब्द आ गया सजावट, सज धन आवट, सज धातु, तो सजावट किसका बन गया, कृत का।
बनावट, बन धन आवट या बुन धन आवट, तो बनना या बुनना क्रिया होती है, तो इसका मतलब धातु रूप और धातु से क्रिया बन जाएगा बन और बुन से बुनना और बनना, तो इसका मतलब बनावट किसका उदाहरण हो जाएगा, कृत का। ऐसे ही शब्द आपका आता है सौंदर्य, टुकड़ा, सुंदर धन यह, सुंदर धातु तो है नहीं, अब आपको नहीं पता ये विशेषण है या नहीं है, पर ये तो पता है धातु नहीं है, इसका मतलब सौंदर्य किसका उदाहरण हो चुका है, तद्धित का। तो मेरे हिसाब से आपको ये तो पता चल चुका होगा कि कृत का उदाहरण कब होगा और तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कब होगा, तो जब धातु के अंत में लगेगा तब तो किसका उदाहरण आ जाएगा, कृत का, और धातु के बजाय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगेगा तो उदाहरण किसका हो जाएगा, समझ में आ गई बात। अच्छा आगे की बात कर लेते हैं, अब हम काफी बार आया हुआ है एक क्वेश्चन, जरा मैं लिख दूं, पूछता है कि दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय होता है दर्शनीय में जी, तो स्टूडेंट कह देते हैं जैसे आप लोगों में से सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही है ई है, ई है नहीं है इसमें, तो कई बार मैं बच्चों से पूछती हूँ तो कई ये कह देते हैं अनी है, फिर मैं पूछ लेती हूँ अच्छा बताओ मूल शब्द कौन सा, कहते हैं दर्श, ये दर्श नहीं है ये दृश्य है, देखे अंदर री लगा हुआ है आपको नज़र ही नहीं आता, कई इंटरव्यू में दे रहे हो और बोल रहे हो दर्श, तो चीज़ गलत है, दृश्य धातु। और अगर हम बात करें तो धातु में अन जुड़ेगा पहले तो तब शब्द बनेगा दर्शन, क्वेश्चन यहाँ से पटवारे में आ चुका, खूब गलत हुआ छुट्टी का, खूब बच्चों ने गलत किया, समझा यही दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तो एक उदाहरण ही उन्हें खूब पढ़ा हुआ था इसलिए आ गया। अच्छा और बात करें, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है दर्शनीय, मानवीय, नगरीय, जातीय, फिर पूछता है किसमें यह प्रत्यय नहीं है, तो स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूज़न, तो सो की बात क्या कि धातु के साथ कभी यह प्रत्यय जुड़ता ही नहीं है, धातु के साथ तो सदैव अन्य प्रत्यय होता है, हाँ संज्ञा वगैरह के साथ कौन सा प्रत्यय आपको नज़र आएगा ये का, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, मैं विद्यार्थियों को तीन शब्द यहाँ से बताती थी, वो एक दर्शनीय, एक नमनीय और एक, क्योंकि शब्द शुद्धि में भी तो बहुत आ जाता है पूजनीय, कईयों को पूजनीय नहीं लिखना होता, जय आधा पूरा होता है, उकी मात्रा बड़ी होती है, टुकड़ा करोगे, अब ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये दर्शनीय तो रटा हुआ है खूब आ चुका है, नमने और पूजनीय आते फिर गड़बड़ हो जाती है, पूजनीय आते तो लगता ही नहीं है, नहीं है क्या, पूजन मूल शब्द और यह हो गया ना प्रत्यय, जबकि नमनीय में देखोगे तो नम निकलेगा और नम में क्या जुड़ रहा है अनिय, मैं कई बार पूछ लेती हूँ आपने नम धातु रूप नहीं पढ़ा क्या, कहते नहीं नहीं पढ़ा हमने, तो आप सब ने खूब पढ़ा है नमस्कार नमस्ते, शायद हर शिक्षक संधि विच्छेद बताता है नमः धनकार नमः धनते, तो सही तो बदला है विसर्ग में, बाकी तो जो का त्यों ही रहा है वो मैं वाला रूप उसके अंतर्गत, तो नमी है और क्या है, लेकिन क्लियर नहीं है, पूजनीय है मैं पूज्य धातु, अनीय प्रत्यय, तो धातु हैं। अगर आप बात करें नगरीय, नगर धन ईय संज्ञा है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि
धातु के साथ अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु के साथ किसका प्रयोग नहीं होता है? ई का। ई का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा। धातु में कभी यह नहीं लगता है। नगरीय में देखोगे नगर, नगर संज्ञा उसके अंतर्गत आप कहेंगे नगरीय के साथ जातीय, जाति मूल शब्द उसके अंतर्गत आ जाएगा। मानवीय, मानव मूल शब्द, मानव में यह लगाओगे तब क्या बनेगा? मानवीय। तो नियम आपका पहला यहाँ से क्लियर हो गया है कि दर्शनीय, नमनीय, पूजनीय इन सब में प्रत्यय कौन सा है? अन्य। अच्छा, खूब रटा हुआ रहता है बच्चों को शब्द पठनीय, पूछ लो कभी भी कौन सा प्रत्यय, कहते अन्य है, वहाँ बता देंगे पठ धातु पड़ा हुआ है। जैसे ही उनके अलावा बिना रटे हुए में से आया तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? गड़बड़। इसका मतलब है नियम नहीं आता। नियम आएगा तो आप लगा कर देखोगे, लगा कर देखोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। समझ में आया? अगली बात करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछना है मुझे आप लोगों से, आया हुआ ही है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ दो, यहाँ पे तो चलो वो मैंने टुकड़ा ही कर दिया, उस समय पूछा था। क्वेश्चन नंबर दो एलडीसी में आया था। आरु प्रत्यय नहीं है कि कौन से शब्द में आरु प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन, बीमारू, जुझारू, गंवारू। फोर्थ ऑप्शन, दुधार। ये चार क्या थे ऑप्शन? आरु प्रत्यय किसमें नहीं है? बीमारू, जुझारू, गंवारू, दुधारू, ऐसे चार क्या दे दिए उन्होंने ऑप्शन। मेरे हिसाब से इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। उसके बाद भी विद्यार्थियों का क्या हुआ? गलत। सबसे बड़ी बात, आपको आरु प्रत्यय अलग करके देख लेना चाहिए था उनमें से। तो आरु हटाइए पहले तो आप इनमें से। इसके बाद पहले तो ये बताओ दुधारू से तात्पर्य क्या है? तो दुधारू दूध देने वाले को आप बोलते हैं दुधारू। गंवारू गांव वाले से जो जुड़ा है वो। जुझारू जूझने वाला। और बीमारू बीमारी से ग्रस्त। ये इनके टुकड़े हुए, मतलब शब्दों के अर्थ बताए। अब जो शब्द का अर्थ वही किसका अर्थ होना चाहिए टुकड़े का। आरु हटते ही मूल शब्द क्या बचता? दूध। दूध में ऊ की मात्रा बड़ी होती है, आरु जुड़ने के बाद ही छोटी होती है। तो टुकड़ा करवाएगा तो दूध में ऊ की मात्रा बड़ी, तो दूध में आरु, तो इसका टुकड़ा ये होता है। अदरवाइज दूध धन आरु। तो दूध वाला यानी दूध देने वाला पशु क्या कहलाया? दुधारू। इसका मतलब इसका तो सेम अर्थ है। गंवारू गांव धन आरु, जो गांव वाला है वो क्या है? गंवारू, वो भी सेम अर्थ है। ये गांव आरु जुड़ेगा तो गा का आ एम ए बदलेगा। जुझारू जूझ धन आरु, आपने सुना होगा खूब कि
मोहन जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहा है, जूझ रहे हैं मतलब लड़ रहा है, वो वाली चीज आएगी। तो जूझना क्रिया होगा और आरु हटाओगे तो जूझने वाला क्या कहलाएगा, जुझारू। इसका मतलब ये तो सेम है। बीमारू, बीमारी से जो ग्रस्त है। आरु हटा क्या बचा, बीम। अब बीम का बीमारी से क्या लेना देना है, इसमें तो मूल शब्द ही बीमार है और प्रत्यय उ आता फिर बीमार में, तब बनता बीमारू। और हमारे विद्यार्थियों से पूछो आरु प्रत्यय के उदाहरण, तो बीमारू बाजारू सबसे पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि आरु से रटा हुआ है, आ तो गया बीमारू में आरु, बाजारू में आरु, मारू उसमें भी आ ही गया। अरे बाजारू में से आरु हटाओगे तो बाज बचेगा, बाज का बाजारू से क्या लेना देना है। बाजारू के अंतर्गत तो बाजार मूल शब्द है, तो उ प्रत्यय आएगा। कई कह देते मैडम गंवारू में भी तो गंवार मूल शब्द और उ प्रत्यय है। हो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सबसे पहली बात वो आपसे ये नहीं पूछ रहा इसमें प्रत्यय कौन सा है, उसमें उ भी है और आरु भी है, दोनों ही है। आर प्रत्यय आता है, एक कुम्हार सुना हो कुंभ धन आर, सुनार सोना धन आर, तो वैसे ही आर जुड़ेगा इसके अंतर्गत। तो गांव में आर जुड़तर गंवार और आर में उ जुड़ा शब्द क्या बन गया, गंवारू। तो उसने आरु पूछा था, आरु हटते मूल शब्द क्या ही बचा, गांव। समझ में आई बात आपको? तो ध्वनि सुनकर के नहीं डिसाइड करना कि इसमें ये है और इसमें ये नहीं है। जैसे मैं आपको और बताऊं उदाहरण, यहां तो यहां देखिए अब आप लोग कई बार बच्चों को लिखवा रहे होते हैं एक प्रत्यय जिसका नाम है आड़ी, कि आड़ी प्रत्यय के उदाहरण। बच्चा सबसे पहले बोलता है कबाड़ी। अरे कबाड़ी बोल तो दिया, क्यों बोला, क्योंकि आड़ी की क्या गई ध्वनि। लेकिन अब देख तो सही, आड़ी हटा ले क्या बचा, कब। अब कब का कबाड़ी से क्या लेना देना, लेकिन आपका सबसे फेवरेट शब्द आड़ी का यही आएगा सबसे पहले। अनाड़ी यहाँ आ जाता, अज्ञ मूल शब्द होता है अज्ञ या अन, अज्ञ ज्ञान से रहित वाला, तब होता है अनाड़ी। खिलाड़ी खेल में आड़ी हो जाता है उसके अंदर, तो वो तो समझ में आता है खेल अनाड़ी, खेल वाला खिलाड़ी। अनाड़ी ज्ञान से रहित वाला अनाड़ी, अज्ञ आता है ए यानी नहीं, ज्ञ यानी ज्ञान, ज्ञान से जो रहित है। तो कहने का मतलब आपको ध्वनि सुनकर नहीं करना, जैसे इसी को समझाया और यहीं से एक क्वेश्चन आया मिलता जुलता पटवार के अंदर, क्या उसने शब्द दिया बुहारी, पूछा कौन सा प्रत्यय है, चलने दो आरी, देखते ही ऑप्शन में आरी। दूसरी बात जो आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब पुराने पेपर हैं रटे हुए हैं, फिर भी एक बार सोच लो, लेकिन जिस समय ये एग्जाम में आए उस समय का परिणाम क्या था, डिसाइड तो वहां से होगा। वहां पर ये गलत था, कह रहे आरी तो आएगा इसके अंदर। अरे आरी आएगा तो फिर मूल शब्द क्या बचाएगा, बो। फिर बो का अर्थ क्या होगा, जबकि उन्हें यह भी पता था कि बुहारी का मीनिंग क्या होता है, झाड़ू निकालना, झाड़ू निकालना होता है बुहारी। वहाँ सबसे बड़ी बात होती है आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं क्वेश्चन, अरे चार ऑप्शन दे रखे हैं उसने, तो क्या जाता है एक बार चारों हटा हटा के देख लोगे और मूल शब्द निकाल लोगे तो कम से कम अर्थ आ जाएगा और कभी गलत होने की क्या नहीं होगी संभावना। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं, कबाड़ी आया देखते ही तुरंत आड़ी कर दिया, जबकि इसके अंतर्गत मूल शब्द वास्तव में कबाड़ होगा और फिर प्रत्यय क्या निकलेगा, ई।
तब होगा कबाड़ी। तो बुहारी में क्रिया सुना होगा बुहार ना, और ना में जुड़ेगा नहीं, धातु में जुड़ेगा प्रत्यय, तो एक अतः बुहार। सेम ई प्रत्यय था, बुहार में ए, तो प्रत्यय तो गलत नहीं हो सकते, लेकिन प्रॉब्लम है आप जल्दबाजी में जाकर उन्हें क्या करते हैं गलत, इसलिए वो आने के बाद भी क्या हो चुके हैं गलत, ये आपकी समस्या है। अब मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें और समझाने जा रही हूँ, वो क्या है वो सुन लो। पहले आप प्रत्यय इम्पोर्टेंट है, उसमें बहुत सी शब्द शुद्धियाँ आएंगी आगे और बहुत से नियम आएंगे, मैं आपको बता दूँ, आप जितना ध्यान से पढ़ लोगे वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सुनिए, शुरू के तीन प्रत्ययों में से ही क्वेश्चन कन्फर्म आता है, कन्फर्म 100% ची आए वाक्य शुद्धि में, ची आए शब्द शुद्धि में, और ची आए संज्ञा से विशेषण या विशेषण से संज्ञा में, कहीं भी आए आता कन्फर्म है, और ची आए प्रत्यय में से, चार जगह क्रॉस करता है ये। एक है एक, एक होता है ए, एक होता है यह, एक होता है ई, एक होता है आयन, और एक होता है ए। ये कुछ प्रत्यय हैं, इनमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तीन प्रत्यय जो मैं बताने वाली हूँ, एक तो एक, एक यह और एक ए, इन तीन में से ही कोई ना कोई एक क्या आ चुका होगा क्वेश्चन। सबसे पहली बात, ये चीज़ है क्या, ये पूरा खेल समझ का है, लिखे हुए तो ये प्रत्यय हर जगह है, प्रॉब्लम है समझ में नहीं है कि चीज़ें क्या हैं। एक प्रत्यय, यह प्रत्यय, अप्रत्यय, मैं बता चुकी हूँ ये तीन तो मुख्य हैं, इनसे ही सबसे ज़्यादा होगा, इन्हीं का रूप सबसे अलग बनेगा, ये तीन पर आप विशेष ध्यान दें। वैसे ये छह के छह प्रत्यय एक प्रकृति के होते हैं, क्या ये लगभग प्रत्यय शब्द के पहले वर्ण में जो स्वर होता है उस स्वर में करते हैं वृद्धि, मतलब अगर शब्द के पहले वर्ण में ए स्वर हो या आ स्वर हो तो ये इसको परिवर्तित कर देते हैं प्रत्यय मिलकर स्वरों को, किस में आ में, अगर दोनों छोटे ई हों, सॉरी एक छोटा ई एक बड़ा ई हो, यानी दोनों ई हों या ए हो, तो ये छह के छह प्रत्यय इन तीनों स्वरों को बदल देते हैं आई में। ऐसे ही अगर दोनों ओ हो, यानी एक छोटा एक बड़ा और साथ में ओ हो, तो ये तीनों प्रत्यय मिल करके उसे बदल देते हैं किस में, औ में। और यदि पहले वर्ण में री हो तो बदल देते हैं अर में नहीं आर में, ये क्या करेंगे परिवर्तन, पहले वर्ण को इनके अंदर बदला जाता है। ए आ होगा तो आ में, ई ए होगा तो ऐ में, दोनों उ या ओ होगा तो औ में, और री होगा तो आर में बदले जाते हैं। तो पहले वर्ण में जो स्वर आता है वो किस में बदले जाते हैं, अपने बड़े रूप के अंतर्गत, यानी वर्ण में क्या कर देते हैं वृद्धि। यहाँ मैं लिख देती हूँ, पहले वर्ण के स्वर में वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि क्या, ये वृद्धि का ही रूप है जो मैंने आपको बताया है। तो
दो प्रत्यय इनमें से अंत में भी परिवर्तन करते हैं, वो क्या? ये जो यह प्रत्यय है, ये शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। तो दूसरे नियम में यह प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण को आधा करता है, आधा कर देता है, यानी जब भी लगेगा आधा हो जाएगा। ये आप अच्छे से नियम ध्यान रख ले, आगे जाके जितने उदाहरण आएंगे शब्द शुद्धि के तो हैं ही वो सारे, प्लस में इन्हीं से ही आगे चीजें क्या होंगी आपकी क्लियर। तो तीसरा नियम, ये जो प्रत्यय है, यदि शब्द के अंतिम वर्ण में ऊ स्वर आता है, कोई सा भी ऊ हो, तो ऊ स्वर को बदल देता है अव में, तो तीसरा नियम अप्रत्यय अप्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण में आए ओ, कोई सा भी ओ हो सकता, ओ स्वर को अव में परिवर्तित कर देता है, समझ में आई क्या बात आप लोगों को? ये आपके कुछ नियम आए हैं यहाँ से, जो अब हमें क्या करना है क्लियर। सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं पूछती आपसे कि समाज में एक प्रत्यय जुड़ेगा क्या बनेगा, तो कह देते हैं सामाजिक। इतिहास में एक जुड़ा क्या बना, तो कह देते हैं ऐतिहासिक। उद्योग में एक जुड़ा तो कह देते हैं औद्योगिक। पर ये पूछ लो उद्योग से औद्योगिक कैसे हो गया, वो नहीं आता, बस वो रटा हुआ है, इसलिए वो हमें आता है। कैसे इतिहास से ऐतिहासिक, वो नहीं पता। समाज से सामाजिक कैसे, वो नहीं पता। रटे हुए शब्द आते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं आता। तो अब मैं पहले एक प्रत्यय की बात करती हूँ, मैं आपको एक बार फिर से समझा रही हूँ यहाँ, क्योंकि उसके बाद ये पेज जब हट जाएगा तो आपको बार बार ये नज़र नहीं आएगा कि ये चित्ते प्रत्यय हैं। पहले वर्ण में जो भी स्वर आएगा उसमें वृद्धि करेंगे, यानी ए आ को आ में बदल देंगे, ई या ए को ऐ में, ऊ या ओ को औ में, और री को किसके अंतर्गत बदल देंगे, आर के अंतर्गत। समझ में आई क्या बात आपको? जी, तो हम पहले एक प्रत्यय पर क्या कर लेते हैं बात। चलो इसी पर एक बार हम बात समझना शुरू करते हैं। खूब आया हुआ एक शब्द है अध्यात्म। आपको प्रत्यय लगाना है एक। अब आप देखते जाइए आप शब्द शुद्धि में इन्हें कैसे रटते हैं, जबकि ये कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, पूर्णतः मनोवैज्ञानिक रूप से है। अध्यात्म का पहला वर्ण कौन सा है? ए। एक प्रत्यय, पहले वर्ण में जो स्वर आएगा उसमें क्या करेगा? वृद्धि। तो मुझे बताना, पहला वर्ण आया ए, तो एक प्रत्यय ए को किस में बदल रहा है? आ में। तो ए की बजाय क्या हो चुका है? आ, ध, या, त, में एक क्या बना शब्द? आध्यात्मिक। और आप इसे शब्द शुद्धि में रट रहे होते हैं, अरे आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, जबकि जैसे सामाजिक बना वैसे ही तो बना है, इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है। आगे देखो, लगभग बच्चे गलत लिख रहे होते हैं, जब मैं देखती हूँ इन चीज़ों को समझाने के बाद भी गलत लिख देते हैं। ये देखिए, शब्द है प्रमाण।
प्रे का अगर बात करें, प्रे में कौन सा स्वर? ए को किस में बदलेगा? आ में। यानी प्रे का क्या होगा? प्रा, मा, अणिक। क्या शब्द बन गया? प्रामाणिक। और आप क्या लिख रहे होते हैं कॉपी में? प्रामाणिक। आगे देखो, व्यवहार। पहला वर्ण है वह तो आधा है। वह के आगे देखो कौन सा वर्ण आया? यह। यह में कौन सा स्वर आया? ए को किस में बदलेगा? आमी। तो अगर बात करें यहाँ, वह या वह हा रिक। और आप लोग व्यवहारिक की बजाय लिख रहे होते हैं व्यवहारिक। ऐसे व्यवसाय में एक आता है व्यावसायिक, पता ही नहीं चलता आ कहाँ से आ रहा है। कहते हैं ये वो शब्द तो शुद्धि में आया ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान का पढ़ा तो सामाजिक ऐतिहासिक ये भी नहीं था, तो रटा हुआ था। अगला देखो, तीन बार शब्द शुद्धि में आता आ चुका है। अब भी 90% से ज़्यादा बच्चों को इसकी शब्द शुद्धि का ज्ञान नहीं है, और ये तीन बार आ चुका है शब्द शुद्धि में, थर्ड ग्रेड पटवार वगैरह सब जगह, और लगभग बच्चे गलत बताते हैं। राजनीति में एक कहते हैं राजनैतिक, रटाया फिक्स है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग करंट जीके के लिए। वर्षों हो गए हैं कहीं न्यूज़पेपर में राजनैतिक छपे नहीं देखा है मैंने, हर जगह शब्द शुद्ध देखा है, पता ही नहीं है होगा क्या। तो देखो जरा, रे में कौन सा स्वर है? आ। आ का क्या ही रहेगा? आ। क्या होता है शब्द? राजनीतिक। और आप क्या बोलते हैं? राजनैतिक। कमबख्त ये नैतिक कहाँ से आ जाता है? मैंने नीति थोड़ी पूछ रही हूँ आपसे, मूल शब्द तो राजनीति है, फिर भी आप उसको क्या कर देते हैं? गलत। राजनीतिक नहीं होता है शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द क्या होता है? राजनीतिक। कहीं आए ज्ञान और लगाते हैं क्या? मैडम ते में ही आगे ही बड़ा ही नहीं बनेगा क्या? ये तो संधि नहीं कर रहे हो, परिभाषा लिख चुके हो। जुड़ता है, जुड़ता है यानी अंतिम जो भी होगा स्वर वो हटेगा, और प्रत्यय उसमें जो कहते हो वर्ण में क्या होगा? जुड़ेगा। समझ में आई बात? जैसे और देखो, एक इक का भी उदाहरण लेती हूँ, बाकी तो नहीं तो इनका रूप गड़बड़ी नहीं होता है। दो चलिए ठीक, इसे आगे वाली चीज नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर आपको ये भी ध्यान रहेगा तो अगले पेज को लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्लास 3:45 पर 4:15 हम वापस। क्लिक ऑन दी सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन ऑन दी यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.